नगर निगम के सदन हाल में शनिवार को अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, परियोजना निदेशक डूडा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में दोनों योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान परियोजना अधिकारी डूडा विकास कुमार सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की मकान की छत लग चुकी है उनका मकान जल्द से जल्द पूर्ण कराकर तीसरी किस्त अवमुक्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि यह गरीब आवासहीन जनता के कल्याण की योजना है, आप सभी अपने कार्य में पारदर्शिता लाएं तथा संबंधित अधिकारियों और संबंधित जनप्रतिनिधियों को योजना के प्रगति से समय समय पर अवगत कराते रहें और उनसे मिलकर शिकायतों का निस्तारण भी करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा ने कहा, ये नहीं बन गए हम आप मतलब में लिया हो बस भाई के बैठे बैठे निकल गए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे यानी जाके थोड़ा सा नीचे हटके भी काम करेंगे, बार बार कुछ चीज कहने की जरूरत नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री जी का जिला के लिए पहला पत्र उन्हीं को दे दिया, रूट कास्टेड है और उस हिसाब से उसके चार लाइन बनाइए, ऐसा जो है सरकार की मंशा है और इससे जो है ऐसा करके वो बन जाए। मैं भी उसको डिलीवर करें तो हम सर देखिए बन जाए, वो सबको दीजिए। जैसा कि आप अवगत ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना उत्तर प्रदेश में लागू है और इस योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। उस लोन पर 7% सब्सिडी है और अगर डिजिटल पेमेंट करता है हमारा पटरी व्यवसायी तो उसमें और भी उसको छूट दी जाएगी। तो उस लोन को देने के लिए पटरी व्यवसायों का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एक पोर्टल है, पोर्टल पे अपलोड कराया जाता है। तो हम लोग का टारगेट 33,604 लोगों का अपलोड करने का है पटरी व्यवसायियों को और अभी तक हम लोग लगभग 15,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जहां तक अपलोडिंग का सवाल है लगभग 10,000 लोगों को अपलोड हम लोगों ने कर लिया है और 3,000 लोगों को लोन भी सैंक्शन हो गया है। तो उसी संबंध में इसी को गति प्रदान करने के लिए आज हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सर्वेयर्स हैं वो यहाँ पे एकत्रित थे, उनको गाइड किया गया कि आप इसमें किस प्रकार से गति लाएं ताकि जो है हम अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर सकें और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यह अवगत भी कराना चाहता हूँ कि जो भी पटरी व्यवसायी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो नगर निगम में डूडा कार्यालय में या मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और जो अपलोडिंग का काम हो रहा है इसमें 60 रुपये फीस है, उसके अलावा कोई इसमें किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है और ये बहुत अच्छी योजना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे जो पटरी दुकानदार हैं।